सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग। एक और नई रेसिपी के साथ आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। सो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे तड़के वाली दाल पालक, जो कि बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट बनती है। अगर आपके घर में जो नहीं भी खाता है ये दाल पालक, तो वो भी इसको खाने लगेगा अगर आप दाल पालक ऐसे बनाओगे तो। सो आप भी ये दाल पालक बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सो दाल पालक बनाने के लिए हमको चाहिए पालक। उसको हम धो लेंगे और इस तरीके से छन्नी में रख देंगे जिससे कि उसका सारा पानी निकल जाए। और हमको चाहिए मूंग की दाल। तो मैंने यहाँ पर मूंग की दाल को आधे घंटे के लिए गला कर रख दिया था। मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी मूंग की दाल ली है और मैंने आधा किलो पालक ली है। तो अब हम मैंने यहाँ पर लिया है जीरा, गरम मसाले, 2 लाल मिर्च, 1 प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन और जिंजर का पेस्ट और लहसुन की कलियाँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कुकर रख लिया है गैस पर, और अब मैं उसमें डालूँगी 2 ग्लास पानी। तो आपको 2 ग्लास पानी डाल देना है कुकर में। और अब हम इसमें डालेंगे हमारी मूंग की दाल जो हमने गला कर रखी थी आधे घंटे के लिए। जैसे ही दाल गल जाए आप उसको 1-2 बार धोकर इस तरीके से कुकर में डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर पालक भी काट ली थी, आप इस तरीके से बारीक पालक काट लीजिए। और अब हम पालक को भी कुकर में डाल देंगे दाल के संग, बिल्कुल इस तरह से। पालक को काटने के बाद आपको उसको धोना नहीं है, आपको ऐसे ही डाल देना है। जब आप पालक को देखेंगे आप तभी ही धो दीजिए जैसे आप लेकर आए घर पर। तो अब हम सारी पालक को भी कुकर में डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स कर देंगे, देन हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाला है 1.5 चम्मच नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी लाल मिर्च, और अब हम इसमें डालेंगे हल्का सा गरम मसाला, और अब हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अगर आपके पास जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ना हो तो आप लहसुन और थोड़ी सी अदरक को किसकर इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हींग। हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारी दाल पालक में, तो हींग को डालना आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं खाने वाला। और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो अब हमको चाहिए थोड़ा सा पानी, 1 कटोरी में ले लेंगे हम, और उसमें हम 1 चम्मच आटा डाल देंगे इस तरीके से छना वाला, और हम उसका एक घोल बनाकर इसमें डाल देंगे। ये करने से हमारी जो दाल पालक है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और उसमें गाढ़ापन भी आएगा। तो ये आप ज़रूर डालें। एंड जब तक हमारी दाल पालक पक रही है तब तक हम इसमें छौंका लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल लिया है कढ़ाई में, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से जीरा और हींग। जैसे ही जीरे चटक जाए अब हम इसमें डाल देंगे 2 लौंग, और फिर हम इसमें डालेंगे कटी हुई लहसुन की कलियाँ। लहसुन की कलियाँ हल्की सी ब्राउन हो जाए फिर हम इसमें 2 लौंग डाल दीजिए, जिससे कि टेस्ट अच्छा आता है लौंग से। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 खड़ी लाल मिर्च, और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और फिर हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। एंड अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ 1 प्याज, और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। आपको अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को भून लेना है, प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए, फिर हम इसमें डाल देंगे हमारी जो दाल है वो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मीडियम फ्लेम पर से हमारी जो दाल पक रही है उसको लेकर हम अपनी दाल को इस कढ़ाई में डाल देंगे, बिल्कुल इस तरह से। आपको सारी दाल इस कढ़ाई में डाल देनी है, और हम इसको अब 5 से 10 मिनट के लिए और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, बिल्कुल इस तरह से। आपको इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। और अब हम दाल में तड़का लगाएंगे। तो सबसे पहले आप एक तड़का पैन या 1 चमचा ले लीजिए, उसको गरम करके उसमें 1 चम्मच घी डालिए, देन हम इसमें डालेंगे 2-3 लहसुन की कलियाँ, और अब हम इसमें डालेंगे 1 खड़ी लाल मिर्च और थोड़े से जीरे। अब हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और हम दाल पर इस तरीके से इसको डाल देंगे। सो दैट्स इट, हमारी तड़के वाली दाल पालक अब बनके तैयार है, वो भी इतनी स्वादिष्ट। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही है। आप इस तरीके से दाल पालक ज़रूर बना के देखिएगा, आपके घर में जो नहीं भी खाता होगा वो भी खाने लगेंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।